हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? अगर अच्छे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक साइड है सीएट का टायर, जो कि देख सकते हैं सीएट अनमोल के नाम से आता है, और एक साइड देख सकते हैं आप एमआरएफ, जो कि सवारी के नाम से आता है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये जो दोनों टायर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका टेम्पू का टायर, और टेम्पू का टायर में ये दोनों टायर आपको एनी टाइम आपको लगा हुआ दिखेगा या आप लगाते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का कारण या रीज़न यही है कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि एमआरएफ का टायर लगाए कि सीएट का टायर लगाए। तो आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा टायर बेस्ट है, और एमआरपी भी बताऊंगा कि कौन सा टायर का रेट कम है और कौन का ज़्यादा है, और कौन सा टायर को लगाइए कम, मतलब कम पूंजी में अच्छा चीज़ लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्टिंग करते वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं एमएस जोन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो एमआरएफ का गोटी रहता है वो देखिए, जो ये लाइनिंग रहता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एमआरएफ का भी सेम रहता है, और ये हम देख सकते हैं सीएट का भी सेम रहता है। ऑलमोस्ट दोनों टायर है वो आपको सेम नज़र आएगा, बस फ़र्क है तो कंपनी का फ़र्क है। तो कंपनी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो एमआरएफ जो बिल्ड करता है अपना टायर, तो वो नाइलॉन का मात्रा बहुत ज़्यादा देता है, और जो नाइलॉन का मात्रा जिस देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ नाइलॉन लिखा हुआ, तो इसका है कि इसमें नाइलॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एमआरएफ अगर इस टायर को आप लगाते हैं तो इसका जितना गोटी आप देख सकते हैं वो अंतिम तक आपका रहेगा इसमें गोटी। और इस टायर की कीमत आप ऐसे अगर होलसेल रेट में लेते हैं तो 2050 रुपये की आती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये सीएट का टायर है, इसका जो गोटी है वो आपको देख सकते हैं पूरा एमआरएफ का गोटी का सेम रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी नाइलॉन यहाँ लिखा हुआ नहीं रहता है, उस टाइप का नाइलॉन रहता है, लेकिन ये जो एमआरएफ का ज़्यादा नाइलॉन स्पेशल नाइलॉन ओरिजिनल रहता है, और इसमें भी नाइलॉन रहता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो रहता है वो आपका कम मात्रा में रहता है और थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर नाइलॉन का क्वालिटी इसमें कम दिया है तो एक चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि नाइलॉन कांटी या कील को बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। थोड़ा सा शिकायत रहता है एमआरएफ का, इसका कांटी बहुत ज़्यादा गड़ने का शिकायत रहता है, लेकिन सीएट में आपका कांटी गड़ने का शिकायत बहुत ही कम रहता है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, बेझिझक सीएट टायर को लगा सकते हैं, और इसकी कीमत आपको 1850 रुपये की पड़ेगी। अगर होलसेल रेट से आप लेते हैं तो 1850 रुपये में आप लगा सकते हैं, फिटिंग करके आपको 50 रुपये मतलब 1900 रुपये की ख़रीदारी कर सकते हैं। और जहाँ तक कि फ्रेंड्स, मैंने अगर दोनों टायर को फिट करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, और इसकी दोनों की किलोमीटर भी सेम रहती है, आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दोनों टायर को आप लगा सकते हैं, किलोमीटर ऑलमोस्ट दोनों का सेम रहेगा, रेट में डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसलिए आप सीएट एमआरएफ किसी को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम में लगाना है अच्छा चीज़ तो आप सीएट लगा सकते हैं बेझिझक। और एमआरएफ का एक चीज़ और है फ्रेंड्स, कि जो ये एमआरएफ है ना फ्रेंड्स, इसका नाइलॉन लास्ट तक रहता है, इसलिए आप इस टायर को भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा रेंट में डिफरेंस है, लेकिन एमआरएफ बच्चा बच्चा जानता है कि भैया कौन सा टायर एमआरएफ का है, लगा लो कोई इसमें, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, एमआरएफ को भी लगा सकते हैं, बस रेट में डिफरेंस है और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टायर को आप लगा सकते हैं, बस 100 का डिफरेंस है, इससे आप लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और टायर में कोई भी कमी नहीं है, आप दोनों टायर को लगा सकते हैं।